ये कौन पोलर बियर कौन है इन दोनों में से? अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज मैं जा रहा हूँ एक लेक पे जो कि यहाँ की सबसे मशहूर लेक है, ओस्लो की सबसे मशहूर लेक, उसको सोनस्वान लेक कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि पानी की झील, सोन एक जगह का नाम है। और मैं क्योंकि इस वक्त इस ये ट्रेन में हूँ तो अभी दो स्टॉप आगे रह गए हैं थोड़े से, वहाँ से हमने उतरना है। तो फिर वहाँ से बिल्कुल साथ ही करके वो लेक है, और उस लेक पे जाने का आज मकसद ये है क्योंकि वो फ्रोजन लेक है, इस वक्त फ्रीज हुई है। और बड़ा मुझे शौक था उसे देखने का आज, क्योंकि स्नो नहीं हो रही तो मैंने कहा आज जाएंगे तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। और ये देखें, ये अभी स्टॉप आ गया, सब घर वगैरह स्नो में ढके हुए हैं। बस अब दो स्टॉप आगे रह गए हैं तो वहाँ जा के फिर देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है उधर। ये मेरे दोस्त वगैरह भी बैठे हुए हैं सब, हम इकट्ठे जा रहे हैं आज, सब ने तैयार हुए हैं। ये अक्सर असल में ना ये जो झील है ना ये शहर की एक नुक्कर में है, और उस वजह से ना यहाँ पे बहुत कम दफ़ा जाना होता है। बंदे का काम यहाँ पे मसरूफ़ लाइफ इतनी है कि बंदा काम, स्टडी, वहाँ से घर सीधा, तीसरा कोई काम नहीं, बंदा थक बहुत जाता है। तो आज क्योंकि छुट्टियाँ हैं आजकल, तो मैंने कहा कि आज चलते हैं सब। ये इनमें से कोई भी नहीं था निकल रहा दोस्तों में से, ये सारे कहते नहीं सोना है, सर्दी है। मैं कहा नहीं चलो यार। तो अब ये जो है ना ये आखिरी स्टॉप रह गया। लो जी स्टॉप आ गया है सोनस्वान का, ये आखिरी स्टॉप है ये सोनस्वान। ये देखें यहाँ पे कितना फ्रेश एनवायरनमेंट है, ये आखिरी स्टॉप है, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। ये देखें जी ये इर्द गिर्द ना थोड़े से हट्स बने हुए हैं, ये सामने मैप भी है इस जगह पे, और ये सारा जंगल है इर्द गिर्द। और यहाँ पे इस झील की वजह से और जंगल की वजह से यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा स्नो पड़ती है बाकी जगहों की निस्बत। अक्सर लोग यहाँ पे शी भी कह रहे हैं काफ़ी लोग, ये देखें इसको स्की कहते हैं, स्कीइंग, ये जो बाबा जी स्कीइंग कह रहे हैं, ये सारे ये सब स्कीइंग का सामान लेके अपना जो है ना आ रहे हैं, क्योंकि वो सामने जो ऊपर पहाड़ है ना उन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है और सब बच्चे वहाँ पे स्कीइंग करते हैं। ये यहाँ पे जो है ओलंपिया, इन्होंने देखें ये स्पोर्ट्स रूम बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे आते हैं ना। ये जो बिल्डिंग है ना मेरे पीछे ये वो है जहाँ पे स्पोर्ट्समैन आके यहाँ पे रहते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों का रश देखें इसलिए काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये आजकल छुट्टियों के दिन हैं और हर बंदा इन छुट्टियों में इंजॉय कर रहा है, इस मौके को यूज़ कर रहा है। ये देखें यहाँ से लोग शी वगैरह करते हैं, हर जगह जाते हैं, ये देखें करके आ रहे हैं। ये यहाँ पे टक शॉप है जो कि बंद है आज फ़िलहाल। यहाँ से ये शी करेंगे। ये देखें यार यहाँ पे ना सर्दी का ये आलम है, हर जगह ही स्नो 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 ही स्नो। देखें सर्दी लग रही। अच्छा ओए यार मुझे ऐसे लग रहा है मैं ना जन्नत में आ गया हूँ, इर्द गिर्द सब कुछ स्नो स्नो स्नो। ये देखें हर जगह ही स्नो स्नो, यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं आग जला के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है,
जो ये लोग कह रहे हैं। मेरे दोस्तों को भी काफ़ी सर्दी लगना शुरू हो गई है, मेरे भी हाथ फ्रीज हो रहे हैं। और लेकिन यार माइंड ब्लोइंग, जो माइंड ब्लोइंग व्यू है नेचर, सुभान अल्लाह। ये देखें कुत्तों को ये खिला रहे हैं, और देखें यार फाइनली हम पहुंच गए हैं लेक पे। और लेक का आपको पता कुछ भी नहीं चलना, क्योंकि मैं दिखाऊं आपको, ये देखें ये आगे ये लेक है। आ जाओ यार, ये आगे लेक है। हाँ ये देखें, ये जो लोग वहाँ बारबेक्यू कर रहे हैं वो आगे गए हुए हैं, ये सारी लेक है। ये मैं इस वक्त लेक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, फ्रोजन लेक के। मेरे नीचे बहुत गहरी लेक है, ये भी लेक है। ये जो ये बाउंड्रीज है ना, ये सारी पहले यहाँ पत्थर होते थे तो पानी वहाँ वहाँ तक होता था। यार बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त लेक के ऊपर हूँ यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 फुट गहरी लेक है यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर गर्मियों में आए तो। तो यार ये देखें कि ये जो ये दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये एक आइलैंड, जब गर्मियों में आप आएंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि ये आइलैंड है, क्योंकि इर्द गिर्द सारा पानी होता है और बहुत ही गहरा पानी है, और सिर्फ ये दरख्तों वाली थोड़ी सी जगह होती है, यहाँ पे बतखें वगैरह होती हैं। बाकी जो मुझे उस परिंदे का नाम नहीं याद, वो यहाँ पे अक्सर होते हैं, लेकिन सिर्फ ये स्नोफॉल की मेहरबानी की वजह से हम आज इधर तक सब दोस्त आए। और ये व्यू है सारा। ये मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ गाइस, ये गाइस देखें रात का व्यू, शाम का क्या खूबसूरत व्यू है। ये सारा जो है धुंध हल्की हल्की सी उठ रही है, क्योंकि ये पड़ी हुई जो स्नो है ना, स्नो में से धुआं हल्का हल्का सा निकलता है। ये हर इधर हर तरफ ही जंगल है, और ये जंगलों के बीच में एक लेक बनी हुई है। भाईजान आप लोग लेक के ऊपर खड़े हैं इस वक्त, गर्मियों में देखेंगे ये कितना गहरा है। एक और चीज दिखाता हूँ आपको, वो सामने यार, ये जो ये जगह है ना, ये आपको मैं दिखा रहा था, इस चीज ने कुछ तजस्सुस पैदा किया हुआ है। ये पता नहीं इन्होंने, ये क्यों इन्होंने लगाए हुए, इनका मकसद क्या है। इनके पास मैं जा इसलिए नहीं रहा, मुझे डर लग रहा है कहीं इधर मैं नीचे ही ना चला जाऊं। ये पता नहीं इनका क्या मकसद है। ये देखें इन्होंने कितनी ये खूबसूरत आइस सी बनाई हुई। यार ये क्रिस्टल आइस है, क्रिस्टल है, ये देखें इसमें से क्रिस्टल्स, ये इर्द गिर्द सारे वहां सेम जगह उन्होंने ये आगे भी बनाया हुआ है। वो वहां पे एक नजर आ रहा है, ये बच्चों ने बनाया है सारा। वो चांद भी मैं आपको दिखाता हूं, नजर आया चांद, वो देखें दरख्तों के पीछे उस तरफ चांद है और उस तरफ सूरज है। आसमान की पट्टी चेक करें, कितनी खूबसूरत अल्लाह की कुदरत है।
नॉर्वे बहुत खूबसूरत जगह है, अल्लाह ताला ने इसे नेचर से नवाजा हुआ है और ये अपनी नेचर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नॉर्वे को दुनिया के चंद खूबसूरत ममालिक, खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक मुल्क का नाम दिया जाता है। ये देखें आप, दोस्त जो हैं उधर से बाहर जाना चाह रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यार, जो सुकून आपको इधर मिल रहा है ना, मुझे बहुत इधर सुकून मिल रहा है अल्लाह की नेचर के करीब हुए में। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। यार ये देखें कि इस जगह खड़े हुए ना तो सांस से भी धुआं आ रहा है और बहुत इस वक्त सर्दी लग रही है। अगर और थोड़ी देर इधर रहे तो फ्रस्ट बाइट के चांसेस भी हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता, मतलब ज़्यादा देर इधर रहो तो हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त खड़े भी आइस पे खड़े हुए हैं और आइस वो पाँव के थ्रू भी ना काफ़ी वो सर्दी लग रही है। ये देखें ये सारी आइस है, आइस के ऊपर ये तो है ताज़ा स्नो ना, ये देखें जो है। लेकिन इसके नीचे देखें तो ये देखें, ये सख्त वाली स्नो है और इसके नीचे सारा पानी। तो हाँ जी, क्या प्रोग्राम है, चलें फिर वापस वहाँ अभी घूम के ना फिर चलते हैं। अभी काफी लोग आ भी रहे हैं, अक्सर जा रहे हैं। ये तो अभी सिर्फ ये एक लेक नहीं, इस तरह की नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा लेक्स हैं और मैं दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियोस में भी। बहुत खूबसूरत किस्म की यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है और अच्छी बात यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ख्याल रखती इन चीज़ों का। गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के लिए एक बजट मुकर्रर किया हुआ है इस नेचर को प्रिजर्व करने के लिए। मजाल है आपको यहाँ पे कोई बंदा नज़र आए सिगरेट पी के तो सिगरेट का वो जो होता है पाइप सा वो इधर फेंक दे, चिप्स खा के जो उसके पैकेट होते हैं वो इधर फेंक दे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है कि इस नेचर को हम सब ने मिल के बचाना है। तो हर बंदा अपना अपना किरदार अदा करता है इसमें और ये इसी वजह से ही बची रहती हैं सारी नेचर। सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से कुछ नहीं होता, लोग भी अपना बहुत किरदार अदा करते हैं। ये देखे यार, ये जो ये नज़र आ रहा है ना, ये जंपिंग वाली जगह है जहाँ पे गर्मियों के सीज़न में लोग आके यहाँ से जंप करते हैं इस लेक में, और यहाँ पे पानी भी बहुत गहरा होता है और यहाँ पे भी सारी स्नो जमी हुई है। वो सामने करके एक आइस का पोलर बियर बनाया हुआ है लोगों ने, उस तरफ अब जाएंगे। तो यार चल के फाइनली इधर पोलर बियर पे आ गए। ये कौन पोलर बियर कौन है इन दोनों में से? ये अच्छा, तो बड़ा सख्त है। तो यार चल चल के ना, ये देखे पोलर बियर के पास आ गए, ये इसकी मूछें वगैरह, पूरा प्रोफेशनल पोलर बियर। यो तो यार सारा कुछ घूम के ना चलना इधर मुहाल हो गया, बहुत मुश्किल से चला जा रहा है। ये देखिए सारे इधर वो कर रहे हैं स्केटिंग, ये बच्चा छोटा सा भी। यार उंगलियां हाथों की और पाँव की ना नंब होना शुरू हो गई हैं, तो इसलिए अब मैं, रात भी हो गई थी तो इसलिए अब वापसी की तरफ जा रहे हैं।
तो यार ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।